कैसे हैं आप लोग? Keep it real. दोस्तों मेरे, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आशीष डिंपल आप सभी का दोस्त क्या बोल सकता हूँ। तो देखिए, इंडिया में जितने भी लोगों ने पबजी को डाउनलोड किया था उसका एमबी बर्बाद हो चुका है। अब बात आती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कितने चाइनीज ऐप्स को बैन कर चुका है इंडिया में। तो जैसा कि फर्स्ट एडिशन जो कि जुलाई में इंडियन गवर्नमेंट ने चालू किया था बैन वाले केस का, तो फर्स्ट एडिशन में इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप को बैन किया था, अलॉन्ग विथ टिकटॉक एंड लाइकी, जो कि बहुत फेमस ऐप है अलॉन्ग विथ टिकटॉक एंड लाइकी। तो भाई चमक लूँ मैं तू, क्योंकि मैं तो टिकटॉक और लाइकी यूज़ नहीं करता था, ओप्पो और फ्री फायर यूज़ करता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ओप्पो और फ्री फायर का मैं यूजर हूँ। तो ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने नाउ अडेज इंडियन गवर्नमेंट कैन बैन 118 ऐप्स इन इंडिया। कहने का मतलब 118 ऐप इंडिया में बैन हो चुका है चाइनीज ऐप्स, अलॉन्ग विथ टिकटॉक लाइकी और पबजी। जो लोग कहा करते थे उसे पप्पा जी भाई कहाँ यार, पप्पा जी बैन हो गए, ये तो गलत बात है ना। फ्री फायर इसे पप्पा जी बोल सकते हैं ना, तो सब होता रहे, सब गलत बात है। ठीक, तो अब चालू करते हैं। मतलब जैसे कि मैं कुछ बता दूँ आप सभी को कि इंडियन गवर्नमेंट ने 118 चाइनीज ऐप्स को बैन कर चुका है। आप सभी को स्क्रीन पर ऐप दिख रहे होंगे, तो ये हमारा फर्स्ट पेज है, आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। तो मतलब 118 ऐप में कौन कौन से ऐप है जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर चुका है। सेकेंड एडिशन, सेकेंड पेज, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज, दिख रहा होगा आप सभी को इंडियन गवर्नमेंट ने कितने ऐप्स को बैन किया। 118 ऐप्स भाई कम नहीं होते हैं ना, 118 ऐप्स चाइना का पूरा क्या कहलाता है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है ना। क्योंकि ये जो कोरोना पीरियड चल रहा है उसमें इंडियन गवर्नमेंट को पता चला है जो चाइना है हम पे सकता है। जो मजा बरमुडा के पीक में है, जो मजा बरमुडा वाले मैप के पीक, समझ सकते हैं, समझ लिया आप लोग ना, जो मजा बरमुडा के पीक स्थान पे हो फ्री पबजी के स्कूल में कहाँ, और जो मजा फोन से हेडशॉट देने में, वो मजा कुछ समय बाद हमें कॉलेज है जाना, क्लासरूम के बाहर हमारा ठिकाना, उनको बुला के है उनको सिखाने का। मतलब कि आज इतना ही था, और क्या कह सकते हैं, सबर करिए, रुको जरा सबर करो। मैं आप सभी को कुछ और बताना चाहता हूँ कि पबजी के जैसा एक और गेमिंग है जिसमें पबजी के जैसा ही कुछ क्या कहलाता है, सब एडिशन है उसमें, सब पिक्चर है, एवरीथिंग वट एवर सब उसी में है। और उस ऐप का नाम है, रुको जरा सबर करो, फ्री फायर एंड कॉल ऑफ ड्यूटी। तो आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज ऐप को यूज़ करने से हमारे ही घाटा है भैया, हमें तो फ़ायदा हो सकती है ना। मतलब हमें तो लगता है कि हम यूज़ करते हैं क्या फ़ायदा पड़ने, क्या दिक्कत होने वाली है, इंडियन गवर्नमेंट हमें क्या करती है, भाई क्या करती है वो तो अलग बात है ना, इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए करती है ना, जो करती है हमारे लिए करती है, बस यही था। तो डन, आप लोग का भी यही हाल होने वाला है। Thank you.